तो यार आ चुके एक नई वीडियो के साथ वापिस। एंड यार आप लोगों से कुछ क्वेश्चन है मेरी ओर से कि क्या आप लोग भी ग्लोबल जाना चाहते हो और आप लोग भी जा नहीं पा रहे हो। यार ये वीडियो को एंड तक देखना ज़रूर, तो आपको पता चलेगा कि भाई आपको भी ग्लोबल जाना है तो आप किस तरह से पुश कर सकते हो। एंड आज मैं खेल रहा हूँ अपने जोंटी भाई के साथ जो रीजन में टॉप प्लेयर है। यार उनसे भी कुछ हमने टिप्स ली एंड वो कहाँ पर लैंड होते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले बात करें जोंटी भाई की स्क्वाड की लैंडिंग, तो यार जोंटी भाई ने हमको लैंड कराया सेफ, क्योंकि जोंटी भाई को अपने प्लस जो पॉइंट है वो माइनस करवाने नहीं थे। तो यार उन्होंने हमको सबसे पहले लैंड करवाया ऑब्जर्वेटरी की साइड, तो पूरा प्लेन से दूर लैंड करवाया क्योंकि वहाँ से हम लूट के भाई रश करके मारेंगे। एंड यार उसके बाद की स्ट्रेटेजी आप जोंटी भाई की देखे, तो जोंटी भाई ने बोला मेरे को कि अगुर भाई आप मेरे साथ रहो, और दोनों दूसरे टीममेट उनको बोला कि आप दोनों साथ में रहो। तो क्या कि जोंटी भाई ने बोला आप मेरे साथ रहो, तो मैं जोंटी भाई के साथ ही था। जोंटी भाई ने बोला हम दोनों एक दूसरे को कवर भी दे सकते। यार उसके बाद हम लोग आ गए सब कुछ लूट फाट के फैक्ट्री की ओर, तो फैक्ट्री पर आते ही मेरा थोड़ा सा नेट लैग किया, तो मैंने जोंटी भाई को बोला भाई यहाँ पर शायद से बंदे हैं क्योंकि मेरा नेट लैग किया। जोंटी भाई ने बोला ठीक है चलो देखते हैं। यार जैसे ही यहाँ से हम बैठे और निकले, मेरे को पीछे से शॉटगन का भाई बहुत ही ज़्यादा डैमेज वाला एक बंदे ने शॉटगन चलाया, तो उसको तो हम ख़त्म कर देते सबसे पहले, इसको हेड दिया एंड ये ख़त्म हो गया। एंड यार उसके तुरंत बाद ही देख सकते हो आप, मेरे को तुरंत ही गोली पड़ी, मैं डैमेज हो गया और डाउन हो गया। तो जॉइंट भाई तुरंत ही ग्लोबल डाला भाई, दो ग्लोबल यहाँ पर ही डाल दिए। हम लोग क्या है ग्लोबल वेस्ट नहीं करते, ऐसा समझते ग्लोबल संभाल के रखते एंड गेम ख़त्म होने के बाद लास्ट में यूज़ करते ऐसे ही टाइम पास के लिए। तो जॉइंट भाई ने मेरे को ग्लोबल दिया, फिर मेडकिट्स भी दी जोंटी भाई ने, मैंने एचपी भी फुल कर ली क्योंकि भाई एक बंदा अगर इनका मर जाता तो ये स्क्वाड के ऊपर बाकी सारे बंदे भारी भी पड़ सकते थे। एंड फिर यार उस स्क्वाड के दो बंदे और थे, तो यार जोंटी भाई ने बोला कि चलो यार जोन में रुकते हैं, तो यार ये भी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है कि जोन के अंदर थोड़ा सा सर्वाइव कर ले। तो यार जोन के अंदर हम लोग रुक दिए एंड उसके स्क्वाड थी तो उनको भी ख़त्म कर दिया। उसके बाद तुरंत ही दो बंदे थे तो उनको भी ख़त्म कर दिया। लूट बाट के हम लोग वहाँ से जस्ट निकले ही थे गाइस, अभी आप देखना कि हमारे साथ थर्ड पार्टी हो रहा है। सब बंदों को यार पता है कि जोंटी भाई है उसका स्क्वाड है, तो उनको हम मारेंगे भाई, ग्लोबल का बंदा है। तो वहाँ से हम निकले और तुरंत ही देख सकते ऊपर एक और स्क्वाड आ गई, और भाई साहब वो गजब का, वो भी डैमेज यार बहुत सही दे रही थी, तो पूरी की पूरी स्क्वाड भी हमको डैमेज बहुत ज़्यादा ही दे रही थी। और हमको अभी जाना था जोन में, तो फिर यार जो जोंटी भाई ने दिमाग लगाया कि उनके ग्लोबल, वो ग्लोबल पर अभी भी क्यों है, तो जोंटी भाई ने बोला कि भाई साहब अभी आपको आवाज़ भी आ रही होगी कि आप एक बंदा फायर देते रहो और तीन बंदे निकलो यहाँ से, क्योंकि यार हमको जाना था सबसे पहले तो जोन में। तो यार हम लोग थोड़ा सा, मैंने भी कवर लिया, मैंने भी एक बंदे को डैमेज किया, तो अभी वो बंदे तो यार अपना एचपी फुल करने में पड़ जाएंगे। फिर जोंटी भाई ने बोला था कि चलो निकलो, तीन बंदे निकलो, एक बंदा फायर दो, यार हम तीन बंदे तो निकल दिए। मैं भी जोंटी भाई के साथ ही निकल दिया क्योंकि जोंटी भाई का पार्टनर मैं ही था इस टाइम पे, तो यार उनको मैं कवर दूंगा और वो मेरे को कवर देंगे। तो ऐसे हम लोग आगे निकल गए। फिर यार थोड़ी देर बाद हमारा एक टीममेट तो यार नॉक हो जाता है, उसको मार भी देते एंड हमारा एक टीममेट उसको बचाने जाता, तो वो भाई पूरा जोन में ही, जोन के अंदर से वो पूरा कवर लेते हुए निकलते हुए, देखो अभी एक बंदा डाउन हो गया तो उनको यार ख़त्म ही कर देते। तो मैं और जोंटी भाई निकल गए थे क्योंकि जोंटी भाई को उनका प्लस करवाना था क्योंकि माइनस खाना नहीं था। तो जोंटी भाई मेरे पीछे पीछे ही आ रहे थे अभी, तो क्योंकि यार मेरा भी एक ही इरादा था कि मैं मरूंगा तो मैं मरूंगा, जोंटी भाई को नहीं मरने देना क्योंकि यार वो ग्लोबल पे, यार अभी उनका माइनस लगेगा तो बहुत ज़्यादा माइनस लगेगा, और मेरा माइनस लगेगा तो भाई मेरे को तो क्या कल फिर से हीरोइक चला जाऊंगा। तो यार जोंटी भाई हम दोनों एक दूसरे को कवर देते हुए फिर आ गए कोटा टूवा की अंदर। तो यार हम दोनों ने दो डुओ पार्टनरशिप स्क्वाड में डुओ बना के हम लोग खेल रहे थे, डुओ डुओ की तरह। यार अभी एक तीसरा बंदा था उसको, वो आ रहा था, तो यार उसके लिए हम लोग पहले तो रुक दिए थोड़ी देर के लिए कोटा टूवा में। वो बंदा आ गया तो फिर हम लोग निकलते, लेकिन गाइस यहाँ पे भी बहुत गंदा सीन हो जाता है हमारे साथ। एक और स्क्वाड ऊपर से जाती है और जोंटी भाई ने उनको मारा, तो यार वो बंदे भी डैमेज होने लगे थे और उन्होंने भी हमको डैमेज दिया, और मैंने भी एक बंदे को बहुत ज़्यादा ही डैमेज दे दिया था, लेकिन उन्होंने ग्लोबल का कवर ले लिया क्योंकि यार ग्लोबल की लॉबी है, रीजन के टॉप प्लेयर है, तो यार लॉबी भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पे एक और मेरे साथ सीन हो जाता है कि मैं यहाँ पे डाउन हो जाता और वो बंदे मेरे को ख़त्म ही कर देते पूरा। तर आगे का गेम प्ले पूरा का पूरा जोंटी भाई का है क्योंकि हम दो बंदे थे, वो दोनों के दोनों यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, और जोंटी भाई को हमने पहले ही बोल देते आप निकलो, लेकिन मैं तो यहाँ पे गया था, जोंटी भाई वहाँ से निकल गए, तो अच्छा हुआ जोंटी भाई का, वरना माइनस भी बहुत ज़्यादा लगने वाला था। लेकिन हम दोनों यहाँ पे ख़त्म हो गए। अभी आप जोंटी भाई का गेम प्ले देखना।
तो यार अभी मैं यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ कमेंट्री नहीं दूंगा, आप बस जोंटी भाई का गेम प्ले देखो, क्योंकि लास्ट में जोंटी भाई ने भाई साहब पूरा एक स्क्वाड खाया था, तो यार बुइया भी मारा था और अच्छे किल भी थे। तो यार चलो आप लोग ये पूरा वीडियो इंजॉय करो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई, तब तक के लिए बाय बाय। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, when you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep